हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका राजा मॉनिटर चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं क्विकबज एप्लीकेशन के बारे में। तो दोस्तों, गूगल प्ले स्टोर पर ये एप्लीकेशन अवेलेबल है। और दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि आईपीएल का सीज़न चल रहा है, और दोस्तों इस बार आईपीएल को मोबाइल पर देखने का बहुत सारा ऑप्शन है, बहुत सारा ऑप्शन नहीं भी है। तो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आईपीएल को लाइव देखने के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर आप अपना लाइव क्रिकेट स्कोर न्यूज़ वगैरह ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको डिटेल में बताऊँगा इसके बारे में, ये क्यों इतना मज़ेदार एप्लीकेशन, इसके बारे में जानेंगे। इसके फुल फीचर के बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, इस एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही मज़ेदार एप्लीकेशन है। अब इसको हम करेंगे ओपन। तो दोस्तों, अब जैसे इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, यहां पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलता है। जैसे आप देख सकते हैं, लास्ट मैच जो हुआ है राजस्थान रॉयल वर्सेस किंग इलेवन पंजाब का, ये उसका दिखा रहा है। और जो आज होने वाला है वो भी आपको दिखाएगा, जैसे रॉयल चैलेंजर बेंगलोर वर्सेस मुंबई इंडियंस का मैच आज होने वाला है 28 सितंबर को। तो दोस्तों, मैं आपको जैसे बता दूं कि जैसे ये मैच हो चुका है, तो दोस्तों अगर ये जैसे यहाँ पर लाइव होगा तो यहाँ पर ये आपको देखने को मिलेगा। तो क्विकबज एप्लीकेशन में मैच आप डिटेल में इंजॉय कर सकते हैं। जैसे दोस्तों, आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर स्कोर बोर्ड पर क्लिक करेंगे तो आपको स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा, कौन किसने कितना रन बनाया है, 4/6 कितना मारा है, स्ट्राइक रेट कितना है, सब कुछ आपको इसमें डिटेल में देखने को मिलेगा। यहाँ पर बॉलर का नाम वगैरह सब लिखा होता है, ओवर कितना डाला है, मेडन कितना रहा है, रन कितना दिए हैं, विकेट कितना दिया है, सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, कितने रन पर कितना विकेट गया है। और यहाँ पर दोस्तों, हाईलाइट भी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, हर बॉल का यहाँ पर स्टेटस आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। जैसे ये बॉल होता है, 2-3-4 सेकंड के अंदर अंदर ये अपडेट हो जाता है, किसने किसको बॉल किया है, किसने चौका मारा है, सिंगल लिया है, विकेट लिया है, सब कुछ आपको इसमें डिटेल में देखने को मिलता है। जो कि लास्ट मैच बहुत ही शानदार था, आपने राहुल तेवतिया को देखा होगा, बहुत ही मज़ेदार रन उन्होंने मारा है, तो वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं, वो ये था 17 ओवर का मैच था, कॉटरेल ने राहुल तेवतिया को बॉल किया था, तो राहुल तेवतिया ने 6-6-6-6 यहाँ पर डिटेल में समझाया गया है किधर मारा है उन्होंने, हर डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, डिटेल में समझा देता है ये। और दोस्तों, ये बहुत ही एक एक गेंद का आपको डिटेल यहाँ पर आपको समझा देता है, किसने किसको बॉल किया है, सिक्स लगाया, फोर लगा है, क्या है, सिंगल लिया है, विकेट लिया है, सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और इसका इन्फो पर आप क्लिक करेंगे तो ये मैच कहाँ हुआ था ये भी आपको दिखाएगा, जैसे शारजा क्रिकेट स्टेडियम में हुआ था, राजस्थान रॉयल ने टॉस जीता था और बॉलिंग का फैसला लिया था, ये बहुत ही डिटेल में आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो दोस्तों, राजस्थान रॉयल कौन कौन से प्लेयर यहाँ पर था वो भी आपको देखने को मिलेगा। स्कोर बोर्ड पर क्लिक करेंगे तो और भी डिटेल में आप जान सकते हैं, किंग इलेवन पंजाब या फिर दोनों टीम का ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, दोनों टीम के बारे में आप डिटेल में जान सकते हैं। यहाँ पर लाइव पर क्लिक करेंगे तो फिलहाल ये मैच हो चुका है, इसलिए यहाँ पर अभी कुछ नहीं दिखा रहा है, लेकिन जब ये लाइव होता है तो यहाँ पर आपको डिटेल में देखने को मिलता है। तो दोस्तों, यहाँ पर और भी फीचर आपको देखने को मिलता है। सेटिंग पर क्लिक करेंगे, डार्क थीम को इनेबल कर देंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलता है। अगर रात को मैच होता है तो आप इसको ऑन कर दीजिए, आपकी आंखों पर प्रेशर नहीं होगा और आपको समझ में भी आएगा और आपका बैटरी भी थोड़ा बहुत बच ही जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर ऑटोमेटिक डाटा रिफ्रेश का ऑप्शन है, इसको आपको ऑन रखना है ताकि दोस्तों ऊपर से स्वाइप अप ना करना पड़े, ये ऑटोमेटिक अपडेट होता रहेगा, आपको रन वगैरह देखने को मिलता रहेगा, ये ऑटोमेटिक डाटा रिफ्रेश होता रहेगा। लोड इमेजेस को भी आप ऑन रखिए, वीडियो लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर वीडियो भी अवेलेबल रहता है, यहाँ पर हाईलाइट भी यहाँ पर देखने को मिलता है, यहाँ पर जो मैच हो चुका है प्रीव्यू कुछ कुछ यहाँ पर देखने को मिलता है, आप यहाँ पर उसको एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर मैचेस पर क्लिक करेंगे, वीडियोस पर क्लिक करेंगे, डिटेल में आप देख सकते हैं, यहाँ पर संजू सैमसन का यहाँ पर इंटरव्यू है और यहाँ पर आप बहुत सारे वीडियोस को भी एंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर न्यूज़ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारा न्यूज़ भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, और बहुत ही बढ़िया और बढ़िया एप्लीकेशन है ये, सिर्फ आईपीएल में ही नहीं, हर मैच आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर देख सकते हैं SOMES कौन कौन से टीम खेल रहे हैं, सब आपको डिटेल में देखने को मिलता है। यहाँ पर हर मैच आपको देखने को मिलता है, जो भी वर्ल्ड ऑल ओवर वर्ल्ड में हो रहा है सभी मैच का डिटेल यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों, ये क्विकबज इसका नाम ही है जैसे समझ सकते हैं, इसलिए यहाँ पर क्रिकेट का इन्फॉर्मेशन ज़्यादा मिलता है। तो दोस्तों, ये बहुत ही मज़ेदार ऐप है, आप इसको यूज कीजिए, आपको अच्छा और मज़ा ज़रूर आएगा इस ऐप को यूज करते हुए। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें आने वाले वीडियोज़ के लिए। मैं इस चैनल पर रोजाना
एंड्रॉयड एप्लीकेशन से रिलेटेड, एंड्रॉयड टिप्स, एंड्रॉयड सेटिंग्स से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।